सारे सबक किताबों में नहीं मिलते, कुछ सबक जिंदगी भी आपको सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 3 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर पे। देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट है उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछाएंगे, तो आपको इन 5 प्रश्नों के जवाब भी देने। तो शुरू से लास्ट वीडियो में रहिए और देखिए आप जो है इस वीडियो के PDF और साथ में पूरे 2020 के मंथली करेंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी की लिंक मिल जाएगी। और जो आपका जून महीने का मंथली करेंट अफेयर था, तो देखिए इसका Part 1 और Part 2 दोनों अपलोड हो चुका है। Part 1 तो मैंने पब्लिश कर दिया था, Part 2 जो है ये आज रात में पब्लिश हो जाएगा 9 बजे तक, ठीक है। तो 9 बजे सभी लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा और जो लोग ना है वो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका चीन यानी कि चाइना है, इसको मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। देखिए मलेरिया को मिटाने के 70 साल के प्रयास के बाद 30 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। देखिए बात अगर मलेरिया की हो रही है तो मलेरिया के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए एक मच्छर होता है जिसको हम कहते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर। देखिए एनाफिलीज मच्छर में भी नर और मादा होते हैं, तो मादा के बारे में बात कर रहे हैं। जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है इसी के काटने से मलेरिया फैलता है, और जब ये काटती है तो आपके ब्लड में जब ब्लड सक करती है तो उसके सूंड के दौरान एक पैरासाइट जिसका नाम है प्लाज्मोडियम विवेक्स, ठीक है, जो कि प्रोटोजोअन होता है, तो वो आपके शरीर में एंटर कर जाता है, आपके ब्लड में पहुंच जाता है। जब भी देखिए यहाँ पे डंक मार रही है, तो जब ये डंक मारती है तो अपने सूंड के द्वारा जब ये चूसती है आपका खून, तो उसमें साथ में जो है वो ट्रांसफर कर देती है प्लाज्मोडियम विवेक्स को। तो जब ये प्लाज्मोडियम विवेक्स आपके ब्लड में जाता है, वो अपना मतलब संख्या फिर वहाँ बढ़ाता है प्रजनन करके, और जब संख्या ज़्यादा हो जाती है तो ये हावी हो जाता है, फिर आपको जो मलेरिया होने लगता है। देखिए मलेरिया काफ़ी फेमस बीमारी भी है और इस पर गाने भी बन चुके हैं, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ और मैं यारो मुझको लवेरिया हुआ। तो खैर यहाँ लवेरिया और मलेरिया में जो है राइम्स बैठा जाता है गाने में। दूसरा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू की है। देखिए सलाम दिल से पहल कितना मस्त नाम है। देखिए सलाम दिल से पहल को HDFC बैंक ने शुरू किया है, और क्यों शुरू किया है। देखिए जो आपका HDFC बैंक है, इसने देश भर के डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से पहल को शुरू किया है। और आपको बता दूं जो आपका HDFC बैंक है, देखिए इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन। टैगलाइन की है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और तीसरा प्रश्न कि विश्व UFO दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व UFO दिवस को मनाते हैं 2 जुलाई को हर साल। देखिए UFO क्या होता है, आपने एक मूवी आई थी उसी ऋतिक रोशन की, उसमें एक जादू नाम का जो कैरेक्टर रहता है। देखिए आपने एलियंस के बारे में सुना होगा, तो एलियंस का जो विमान होता है उसको हम UFO कहते हैं, ठीक है। तो इसी UFO की बात हो रही है। ऐसा माना जाता है कि समय समय पर जो है दूसरी दुनिया के लोग यानी कि एलियंस जो है अपने एक विमान जिसको हम UFO नाम देते हैं, इसके जरिए ये पृथ्वी के आसपास आते रहते हैं। और आपको बता दूं ये दिन जो है विश्व UFO दिवस जो आपका है, ये अज्ञात इन्हीं उड़ान वस्तुओं के अस्तित्व को समर्पित है। प्रारंभ में ये दिन जो है 24 जून को मनाया जाता था, लेकिन बाद में इस दिन को मनाने के लिए 2 जुलाई का दिन जो है चुना गया। 14 प्रश्न की नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए बिहार में सतीश अग्निहोत्री को चुना गया है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में। देखिए जो आपका ये नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका कार्य क्या है। देखिए आपने बुलेट ट्रेन के बारे में बहुत सुना होगा प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है ये बुलेट ट्रेन चलाना। तो कहाँ से कहाँ तक अभी बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, ये सारी चीज़ मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखिए अभी जो सतीश अग्निहोत्री होंगे, ठीक है, इनको 3 सालों के लिए ये जिम्मेदारी दी गई है कि भैया जहाँ भी ये प्रोजेक्ट चल रहा है हाई स्पीड ट्रेन का, इसको पूरा कीजिए। देखिए अभी फिलहाल मुंबई और अहमदाबाद के बीच में जो है जो आपका बुलेट ट्रेन है, इसके लिए प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो इसमें देखिए बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि भाई पानी के अंदर समंदर के अंदर आपको बनाना है सुरंग, सुरंग के अंदर चलेगी ट्रेन, तो इसमें जो है टाइम तो लगेगा ही। तो अभी देखिए इसमें इन्हीं सारी दिक्कतों की वजह से जो है देरी हो रही है। और इस प्रोजेक्ट में 21 किलोमीटर की लाइन जमीन के अंदर बिछाई जानी है। 21 किलोमीटर बहुत होता है,
जिसमें मुंबई के पास समुद्र के भीतर 7 किलोमीटर की लंबी सुरंग भी शामिल है, तो इसलिए जो है इसमें थोड़ा सा देरी हो रहा है। और अब देखते हैं सतीश अग्निहोत्री क्या कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न, ये हाल ही में किस राज्य के जंगलों में शोधकर्ताओं ने ब्लैक बेलीड कोरल सांप की खोज की है? तो देखिए, ब्लैक बेलीड कोरल सांप की खोज अभी हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में की गई है। ये सांप कुछ इस प्रकार से दिखता है, देखिए इसका वैज्ञानिक नाम है एस निग्रीवेंटर, ठीक है, एस निग्रीवेंटर इसका नाम रखा गया है। ये मसूरी वन प्रभाग में बेनोग वन्य जीव अभयारण्य के भद्रराज ब्लॉक में अभी हाल ही में पाया गया है। देखिए इस सांप की टोटल 7 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। तो अभी ये कहाँ खोजा गया है? फिलहाल ये खोजा गया है उत्तराखंड के जंगलों में। छठवां प्रश्न, की हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR बीमा योजना शुरू की है? देखिए अगर किसी भी योजना में YSR आ गया तो उसका मतलब ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की योजना है, क्योंकि YS जगनमोहन रेड्डी कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी जो है ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो ये इसलिए ये हर योजना के नाम के आगे YSR लगा देते हैं। देखिए जो आपका YSR बीमा योजना है, इसके माध्यम से कुल 1.32 लाख परिवारों का समर्थन करने के लिए राज्य सरकार ने, यानी कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए कुल 750 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं। और पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने YSR बीमा के लिए 1307 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो YSR बीमा योजना दूसरी थी, अभी जो YSR बीमा योजना है ये इसको थोड़ा सा अपडेट करके नया वर्जन इसका लॉन्च कर दिया गया है, YSR बीमा योजना को। देखिए होता क्या है कि समय समय पर, जैसे कि पहले योजना आयोग हुआ करता था, तो योजना आयोग को मोदी जी आए कि यार ये नाम अच्छा नहीं लग रहा है, तो इन्होंने इसको नीति आयोग कर दिया। तो योजना आयोग भी योजना ही बनाता था भारत के विकास के लिए, लेकिन वो पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। नीति आयोग भी जो है योजनाएं बनाता है, नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सातवां प्रश्न, की हाल ही में किस देश की कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की स्वायत्त सटीक निर्देशित मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण हाल ही में किया? तो देखिए अभी हाल ही में जो इसराइल है, ठीक है, इसराइल ने जो है, देखिए इसराइल की कंपनी कौन है? राफेल। आपने राफेल विमान के बारे में बहुत सुना होगा, तो राफेल जो है क्या है, एक कंपनी है जिसका नाम पूरा क्या है, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। ये बनाती क्या है, डिफेंस वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, मिसाइल बनाती है, लड़ाकू विमान बनाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाती है। तो इसराइल की जो कंपनी है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, इसने अभी हाल ही में 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की स्वायत्त सटीक निर्देशित मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण किया है। और जो आपका सी ब्रेकर है कुछ इस प्रकार से दिखता है, सी ब्रेकर 300 किलोमीटर की सीमा तक समुद्र और भूमि के लक्ष्यों को सटीक रूप से लक्षित कर सकता है। तो बहुत बढ़िया है ये, 300 किलोमीटर बहुत हो गया यार। और आठवां प्रश्न, की हाल ही में किस राज्य में हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ पहल शुरू की गई है? तो देखिए हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ पहल को जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है, और इसको और देखिए अभी हाल ही में इस हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ पहल को शुरू किया है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। और क्यों शुरू किया है इसको? शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने के लिए। और नवा प्रश्न, की हाल ही में किस राज्य में सुकून नाम का हेल्पलाइन शुरू किया गया? तो देखिए सुकून नाम के इस हेल्पलाइन को जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। देखिए जब का सुकून का जो टोल फ्री नंबर यानी कि हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है, ये हेल्पलाइन नंबर आपका है 1800 180 71 59। तो आप इस पे डायल कर सकते हैं, और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है अगर उन व्यक्तियों की मदद करना चाहते हैं या फिर अपने शुभचिंतकों की मदद करना चाहते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन मतलब जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ रहे हैं, जो चिंता अवसाद तनाव पैनिक अटैक PTSD समायोजन विकार आत्महत्या के विचार मादक द्रव्यों के सेवन मानसिक स्वास्थ्य आपातकाल और महामारी प्रेरित मनोवैज्ञानिक तनाव का अनुभव कर रहे हैं, इन सभी की मदद के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। या फिर आप खुद अगर इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं तो आप जो है इस नंबर पे कॉल करके आप इनसे हेल्प ले सकते हैं कि भैया मेरा आत्महत्या करने का मन कर रहा है, या फिर मैं तनाव में हूँ, या फिर मैं कुछ नशीली दवाओं का सेवन कर रहा हूँ, इन सब से कैसे मुझे छुटकारा मिलेगा। तो इसीलिए ये सुकून नाम का हेल्पलाइन पहल शुरू किया है जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर में तो अभी सरकार नहीं, क्योंकि वहाँ पर अभी राष्ट्रपति शासन चल रहा है, वहां पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कौन अभी मैंने बताया, मनोज सिन्हा जी, ठीक है। दसवां प्रश्न, की हाल ही में किस डॉक्यूमेंट्री को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्त चित्र खंड सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो देखिए ये पुरस्कार दिया गया है डी कोडिंग शंकर को।
देखिए, प्रसिद्ध संगीतकार शंकर महादेवन जो हैं उनके जीवन और करियर के बारे में फ्रीलांस फिल्म निर्माता दीप्ति पिल्ले सेवन की जो सबसे चर्चित डॉक्यूमेंट्री थी, जिसका नाम क्या रखा गया था, डीकोडिंग शंकर। इसने भी हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्त चित्र खंड में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। टोरंटो कहाँ पर स्थित है? देखिए, टोरंटो कैनेडा में स्थित है, ये मत भूलिएगा। 11वां प्रश्न, ये हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए, जो आपके अमिताभ कांत जी हैं, इनका जो कार्यकाल है ये 1 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है और तीसरी बार इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। देखिए, कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है इसने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत के कार्यकाल को 30 जून 2022 तक के लिए, यानी कि 1 साल के लिए बढ़ाया है। कब तक के लिए? 30 जून 2022 तक के लिए। देखिए, अमिताभ कांत जो है इनको फरवरी 2018 में इनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद पहली बार 30 जून 2019 तक का विस्तार दिया गया था और उसके बाद फिर जो है इनको 30 जून 2021 तक के लिए 2 सालों के कार्यकाल का विस्तार दिया गया था, लेकिन अभी फिलहाल 1 साल का कार्यकाल का विस्तार मिला है। अब ये 30 जून 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नीति आयोग के वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो यह अमिताभ कांत। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और देखिए, जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है ये होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। 12वां प्रश्न, की हाल ही में किस संस्कृत दैनिक के संपादक के बी संपत कुमार का निधन हो गया? तो देखिए, जो आपके सुधर्मा दैनिक, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सुधर्मा जो है ये एकमात्र संस्कृत में पब्लिश होने वाला दुनिया का न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र है, ठीक है? तो इसी के संपादक थे कौन? के वी संपत कुमार, इन्हीं का निधन हुआ है। देखिए, सुधर्मा जो आपका समाचार पत्र है जो कि संस्कृत में पब्लिश होता है, इसकी शुरुआत संपत कुमार के पिता पंडित वरद राजा अयंगर ने 1970 में की थी और सुधर्मा दुनिया का एकमात्र संस्कृत दैनिक है जिसका मुद्रण कहाँ से होता है? इसका मुद्रण और प्रकाशन दोनों मैसूरू से होता है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर देते रहेंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाता है, बताइए जल्दी से फटाफट। और अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए तो इसको लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया था, बताइए। और तीसरा कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाता है, बताइए। चौथा कि उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किसने आकाशवाणी के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों में। देखिए, क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाता है, तो देखिए ये 30 जून को मनाता है। और दूसरा था कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाता है, तो ये भी 30 जून को ही मनाता है। और तीसरा था कि हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी कौन बने, तो इनका नाम क्या है, जेरेमी केसल। और चौथा था कि विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाता है, तो ये 30 जून को मनाता है। और पांचवा था कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 29 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के पांचवें सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का वर्चुअल उद्घाटन किया, तो इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और हो सके तो इसकी लिंक जो है उसको देखिए, लिंक अगर अपनी इसकी कॉपी करके आप जो है अगर स्टेटस पे लगा लेंगे तो थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट मेरा भी हो जाएगा और भी बच्चे जुड़ेंगे, पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो ये काम कर लिया कीजिए। थैंक यू।